यार मज़ा ही आता है फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि बॉम्बे क्या है, फ्रेंड्स नहीं होते तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ऑलरेडी फैमिली तो है नहीं यहाँ पर, बट जब फ्रेंड्स मिलते हैं तो ऐसा होमली वाला वाइब आता है, ऐसा लगता है यार कोई है हमारे साथ जो हमें सपोर्ट कर रहा है और हंसा रहा है, एंड या आई थिंक ये वाला हमारा रियूनियन सबसे ज़्यादा वो नहीं रहा, मतलब टॉक्सिक नहीं रहा, बाकी ना सारे हाँ बहुत पॉजिटिव रहे, तो मैं तो बहुत खुश हूँ आज वाले रियूनियन से, बिकॉज जितने अभी इससे पहले रहे हैं सारे बहुत टॉक्सिक रहे हैं। कहाँ जा रही थी आप? जनता जूरी। क्या किस टॉपिक से बोलूँ? ऑनेस्टली भाई, मतलब एक्सपेक्टेशन से इतना ज़्यादा प्यार मिला, आई थिंक लाइफ क्या मेरा तो प्रोफेशनली आई चेंज सो मच, आई यूज टू बी टोटली इन टू मॉडलिंग एंड एक्टिंग, एंड अभी आई एम ट्राइंग टू ट्राई माई हैंड्स इन टू इन टू क्रिएटिंग कॉन्टेंट, तो मेरे लिए तो वो लाइफ का बहुत बड़ा फ्लिप देख रही हूँ मैं, बिकॉज इन लोगों ने तो दे हैव बीन इन टू कॉन्टेंट क्रिएशन ऑलरेडी, बट मेरे लिए पूरी दुनिया ही न्यू है, सो आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लोर, क्योंकि तुम लोग का कॉन्टेंट ऑलरेडी वॉज वेरी गुड, बट मैं बहुत नॉर्मली कभी कभी मॉडलिंग वॉक्स और ये सब BTS डाल देती थी, नाउ आई एम एक्चुअली सीइंग कि कितना एफर्ट लगता है, कितना ज़्यादा इट्स सो टफ टू क्रिएट समथिंग दैट एवरीवन लव्स, सो आई एम ट्राइंग दिस पार्ट ऑफ लाइफ एंड वो तो पूरा चेंज हो गया एंड आई एम लविंग इट, और बाकी तो अच्छे अच्छे दोस्त मिल गए प्यारे प्यारे, ये लोग तो शो में मिले थे, आई थिंक शो के बाद बाहर श्रेया मिली, एंड आई एम सो ग्लैड, लिटरली आई एम सो ग्लैड, मतलब आई थिंक ये चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा कहीं पे बोली भी नहीं है, बट कभी कभी आपको किसी लोगों से मिलके लगता है ना कि दिस वॉज मिसिंग इन लाइफ, अच्छा हुआ ये मिली, तो वो मुझे श्रेया के लिए हमेशा लगता है, जेन्युइनली लगता है। बहुत ज़्यादा देख के वो हो रहा है, फोमो हो रहा है। ये लोगो कपल पता नहीं, बट देख के तो जल रहा है। आई मीन वो होता है ना, एक बंदा जो आपका पर्सन होता है, तो वो पर्सन है हमारे लिए, आई थिंक अनिकेत इज फॉर यू एंड फॉर मी इट्स ऋषभ, तो वो पर्सन नहीं होता ना, ऐसे लगता है कि मजा आ रहा है, बट समथिंग इज मिसिंग, मतलब कुछ तड़का है, जो कमी है वो हमेशा रोस्ट करता रहता है या कुछ कुछ बोलता रहेगा, छेड़ता रहता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है अभी कोई नहीं कर रहा है। तो या कौन सा शो? देखो स्प्लिट्सविला से आई थिंक मैं अभी ऊपर आ चुकी हूँ। मुझे नहीं ढूंढना है प्यार, और मुझे उस शो में जो यार मुझे ऐसा शो करना है जो 24/7 हो, क्योंकि मेरी पर्सनालिटी बहुत फनी बबली रॉ, जो मेरे मन में आता है बोल देती हूँ, तो मुझे ऐसा कोई शो करना है ऐसे बिग बॉस, आई रियली वॉन्ट टू डू बिग बॉस, क्योंकि उसमें आपकी पूरी पर्सनैलिटी दिखती है, बट स्प्लिट्सविला और रोडीज जैसे शोज है ना, कभी कभी आप कुछ बोलते हो बट कुछ और समझ आता है, क्योंकि वो जो आपने बोला होता है वो नहीं बोला होता है, बट जो और कुछ और निकलता है वो ऑडियंस बहुत सीरियसली ले लेती है, तो मुझे ऐसा लगता है मेरे दिल में कुछ नहीं है, तो मैं चाहती हूँ वो साइड मेरा ऑडियंस देखे और वो ज़्यादा पसंद आए, तो या हाँ मैं नहीं बता सकती। आई तो फील लाइक आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो, मैंने कभी कुछ ऐसे प्लान नहीं किया, और आई फील लाइक यही सबसे बेस्ट है, तो जो आता रहेगा जैसे आता रहेगा, मैं फिट इन होती हूँ उस चीज़ में, तो आई ट्राई एंड सी क्या क्या हो सकता है, क्या कर सकती हूँ मैं। आगे नहीं अभी सोचा नहीं है, पहले तो करियर पे फोकस करना है, अगर मिल जाता है तो सोच रही हूँ कि मतलब पति मिल जाते हैं क्या, नहीं नहीं मैं सोच रही हूँ कि अगर आगे से आ जाएगा तो ऑब्वियसली ट्राई करूँगी, बट आ जाएगा तो आई थिंक बिग बॉस मटेरियल हो सकते हैं, बिकॉज स्प्लिट्सविला करके देखा, रियलिटी शो सोचा था रियल रहते हैं लोग सोचा था, बट वैसा हुआ नहीं, मेरा तो फर्स्ट था तो एक्सपीरियंस थोड़ा मतलब अच्छा ही था, रोलर कोस्टर बोलूँगी, जहाँ पे मैंने बहुत कुछ सीखा, तो आई थिंक बिग बॉस में जाएंगे तो मतलब खुल के पर्सनैलिटी दिख जाएगा कि ये बंदी ऐसी है ऐसी नहीं है बोल के, बिकॉज अभी भी मैं बहुत लोग मिलती हूँ ना, वो लोग बोलते हैं कि तुम तो शो पे बहुत एरोगेंट था, ये था वो था, बट खुल के दिखाया ही नहीं तो कहाँ से दिखेगा, तो वो हो गया। हाँ
उस पे क्या बोले? ऐसा कुछ रियलिटी शो पर टैग किया, हम तो जो थे रियल था दिखा हाँ। दिया जैसे, बट ऐसा कोई टैग से कोई प्रॉब्लम नहीं, लग भी गया तो कोई बात नहीं, हमने किया है तो। दैट इज अ टैग वेयर पीपल वांट टू सी मोर ऑफ यू। रियलिटी शो का मतलब ही है कि पीपल हैव कनेक्टेड विद यू समवेयर एंड दे वांट टू सी मोर ऑफ यू। आई थिंक दैट इज द बेस्ट टैग पीपल कैन गेट, बिकॉज एटलीस्ट वी हैव द करेज टू कम इन फ्रंट ऑफ कैमरा टू जेलोफाई एवरीथिंग दैट हैपेंस। इतना कभी कभी हेट प्यार सब कुछ मिलता है, तो दैट नीड्स अ थिक स्किन। तो आई थिंक दैट टैग इज़ ब्यूटिफुल। एंड ऑल्सो आई फील ना कि वो जो टैग होता है ना वो चेंज हो जाता है अगर आप टैलेंटेड हो, अगर आप में स्किल है। जैसे आयुष्मान खुराना है, वो भी रियलिटी, वो रोडी से ही निकले हैं, बट ही इज डूइंग सो ग्रेट इन लाइफ। तो वो अगर आप अपने आप पर इतना काम करें तो आपको सब आता है अगर, तो मुझे नहीं लगता आप कहीं यहाँ से कहीं और पहुँचने में आपको ज़्यादा वक्त लगेगा। आई थिंक कंसिस्टेंटली आपको वो चीज़ करनी चाहिए जो आपको पसंद है एंड उस पर मेहनत करनी चाहिए, तो आप जो चाहते हो आई थिंक मिल जाता है। आगे के प्लान्स देखो, ऑनेस्टली पहले मैं बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करती थी कि मुझे काम चाहिए काम चाहिए, आई वॉज़ वेरी डेस्परेट। तो उसके चक्कर में मैंने लाइफ में बहुत गलत डिसीजंस भी लिए हैं, बट अभी अभी मैंने अपने आप को इतना काम बना लिया है कि मैं सोच रही हूँ जो ऊपर वाला मुझे देगा, जो मेरी ज़िंदगी में सही है वो होगा, और जो नहीं हो रहा है शायद वो मेरे लिए उस टाइम सही नहीं था, शायद मैं उसके लिए प्रिपेयर्ड ही नहीं हूँ। तो आपने जैसे कहा आप स्पिट्सविला करना चाहोगे, मैंने ट्राई किया था स्प्लिट्सविला, आई थिंक जो केविन वगैरह वाला सीज़न था वो नहीं हुआ मेरा किसी रीज़न की वजह से। तो बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद मे बी आई वाज़ नॉट इवन रेडी फॉर दैट शो, क्योंकि मेरे से नहीं होता, मैं नहीं ज़्यादा हेट आता है, मैं परेशान हो जाती हूँ। मैं इंस्टाग्राम पे बहुत बोलती हूँ कि यार बी स्ट्रॉन्ग, बट कहीं ना कहीं इट रियली अफेक्ट्स मी, एंड मेरा काम ही कॉन्टेंट क्रिएशन है, मैं उससे ही पैसा बनाती हूँ। तो जब मेरा ये नहीं चलता ना तो मेरा मैं घबराई हुई रहती हूँ। तो या We love you so much. We all love you so much. Keep supporting us. Thank you for all the love. Actually, we all are very grateful for all the love. So thank you for that. Thank you. Dhanyavaad. Thank you.